बैकड्रॉप पे देखें तो वो एक बात है। तो ये जो मुद्दा है बहुत सीरियस। अब चूँकि हम इतने आगे बढ़ गए हैं, थोड़ा लिबरल हो गए हैं थॉट को लेकर, बच्चों को भी स्कूलों में शिक्षा दी जाती है इस बारे में, तो क्यों ना फिल्म के माध्यम से भी थोड़ी शिक्षा दी जाए, उस पर थोड़ी से बात की जाए, ताकि वो जो आइस ब्रेक हो जाए, वही कोशिश है। बहुत ही संजीदा विषय को हल्के फुल्के ढंग से कहने की कोशिश की है सारिका जी ने, और डेब्यू डायरेक्टर हैं, और जिस शिद्दत से इन्होंने काम किया है, जिस ढंग से इन्होंने हम सबको बड़े पैम्पर करके रखा, बड़े प्यार दुलार से, और इतनी गर्मी में हमसे काम करवाया, पता ही नहीं चला, बिकॉज इनके अफेक्शन से पता ही नहीं चला कितनी गर्मी। एंजॉय किया, तो सब्जेक्ट बहुत ही सीरियस है, और उसको एक क्विर्की फिल्म बनाई गई है जो मुझे लगता है आप सब लोग पसंद करेंगे। म्यूजिक तो आप लोगों ने पसंद कर लिया, बहुत बढ़िया है, बहुत पसंद किया। मतलब इनका कहने का मतलब है ये कड़वी वाली गोली थी जो शहद में रैप करके मस्त चम्मच में शहद में मिला के दी जा रही है, तो मिठास के साथ वो कड़वाहट भी जरूर लोगों को समझ में आएगी। और इस कोविड के डिप्रेशन के बाद थोड़ा एक ऐसा जरूरी भी था हल्का फुल्का, बहुत ज़्यादा सीरियस सीरियस हो जाएगा मसला, तो और भी डिप्रेस हो जाएंगे। और इसी बात पे हम गौरव गैर को वापस इंट्रोड्यूस करते हैं। हम सब जुड़े हुए हैं यार, हम सब जुड़े हुए हैं। ये सच ए नाइस गाय, मतलब ये जो नाम है ना ये अपने आप में बहुत बड़े हैं, एवरीबॉडी नोज, मुझे बोलने की जरूरत नहीं इन सबके सामने, तो लाइक हम नहीं नहीं बुरा नहीं मानेंगे, सच्चाई बोल दो। नहीं डेफिनेटली यार, ये लोग सब बहुत बड़े नेम्स हैं और लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। मैं इंडस्ट्री वाइज या वैसे बात नहीं कर रही, जो ऑडियंस है जिनके लिए हम फिल्म बनाते हैं, बिकॉज बोलते हैं ना जनता ही जनार्दन होती है, वही देख के बताती है कि हमने क्या किया है। बेसिकली उन्हीं लोगों ने इनको बहुत पसंद किया, इनको इनके लेवल पर, इनको इनके लेवल पर, इनको उनको उनको हर किसी को अपने आप में जनता ने जगह दी है, और उस बीच में आज मैं भी खड़ी हूँ इन सबको, मेरी खिचड़ी को लेकर, जिसके अंदर के दो तड़के मिस हैं वो अभी बिकॉज ऑफ यू नो सब लोग बिजी हैं काम कर रहे हैं, और हमारी स्टार कास्ट थोड़ी सी फैली हुई थी तो एक जगह समेटने के लिए टाइम लगता है, बट जितने लोगों ने भी यहाँ पर थे सपोर्ट किया, और बहुत 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 थैंक यू है इन सबका। और मज़ा आ रहा है कि आज हम सब लोग यहाँ खड़े हैं, बिकॉज इतने टाइम की मेहनत थी, इतना सब लोगों ने किया था, और इन लोगों ने जिस तरीके से आज भी सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर आकर, यू नो नहीं तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। ये बंदा बड़ा सही है। लेकिन आप लोगों को भी थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। इतने ट्रैफिक में मुंबई की इतनी गर्मी में आप लोग आया, पूरा फोकस किया। मेरे को ना पर्सनली ने पूछा कि आप मीडिया के बारे में क्या सोचते हैं, मैं डेफिनेटली और चार पाँच दिन के बाद बताऊँगी कि इन्होंने पूछा मुझे, तो मैंने वही बोला कि यू आर द ब्रिज बिटवीन सेलिब्रिटीज एंड पीपल्स टूवर्ड्स टू ऑडियंस। तो ये जो ब्रिज है इनके लिए भी थैंक यू सो मच, वो इतना मजबूती से खड़े रहते हैं कि हमारी सारी बकबक खबरें अच्छा सब सब चीज़ें ऑडियंस तक पहुँचाते हैं, तो मीडिया एक ब्रिज है। थैंक यू सो मच टू ऑल टू कम हियर एंड इतनी हमारी बातें सुनने। थैंक यू, थैंक यू। आप कुछ बोलना चाहेंगे सर? हम जब भी कोई फिल्म हम चूज़ करते हैं म्यूज़िक देने के लिए, उसमें हम ये देखते हैं कि जो पीछे की जो टीम है, जो डायरेक्टर हैं, उनका क्या प्लान है और उनकी क्लैरिटी क्या है। तो सारिका जब मिली थी तो बहुत ही क्लियर था कि उसको क्या बनाना है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर था, उसकी पूरी प्लानिंग क्लियर थी, और जो गाना एक गाना हमसे लिया उन्होंने, उनको एक सिचुएशन में वो गाना चाहिए था रोमांटिक। तो हमें हमेशा लगता है कि जब बड़ी फिल्मों में तो हम जैसे बड़ी जब कोई रिलीज़ होती है उसमें बहुत सारा प्रमोशन का पैसा भी होता है और बहुत सारे प्रमोशनल प्लान्स होते हैं बड़े, उसमें बहुत बड़े फिल्म स्टार्स होते हैं जो फिल्म को बहुत पुश करते हैं। तो जब सारिका ने बोला कि मैं फिल्म बना रही हूँ और मेरा कोई फिल्म बहुत बड़ा ऐसा कोई बजट नहीं है मेरे को, लेकिन काम अच्छा करना है, टीम अच्छी पुट करनी है, सो हमने रियलाइज़ किया कि उसकी इंटेंशन अच्छी है और अच्छी स्टोरी लेके आई थी वो। तो हमेशा हम ऐसी फिल्मों में हमेशा एक आध गाना देते हैं जहाँ हमको लगता है कि यू नो फिल्म को शायद वो गाना हेल्प करेगा या फिल्म हमारे गाने को हेल्प करेगी। सो ऐसे ही हमने एक फिल्म में गाना किया था वन नाइट स्टैंड में, उसमें भी ऐसे ही वो जैस्मिन फिल्म बना रही थी तो उसमें सनी लियोन थी, उसमें हमारा गाना इजाज़त सुपर हिट हुआ था। ये गाना भी बहुत अच्छा है, बहुत अल्तमश ने बहुत अच्छा गाया है और अच्छा चलना चाहिए, और फिल्म भी बहुत ट्रेलर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। वो कोई चीज़ अपने आप 21 मिलियन अगर पहुंची है तो उसमें कोई बात होगी, तभी पहुंची है। आजकल वैसे ही YouTube पे इतना ट्रैक्शन आजकल आता नहीं है, तो अगर कोई ट्रेलर 21 मिलियन पहुंचा है तो ये बहुत पूरी टीम के लिए बहुत बहुत प्राउड फील करने की बात है कि कुछ अच्छी हम सब ने मिलकर अच्छी चीज़ क्रिएट करी है और लोग उसको लाइक कर रहे हैं और फिल्म सबको बहुत पसंद आएगी ये भी हमें पता है।
ट्रेलर देखते ही 21 मिलियन व्यूज अब तक मिल गए हैं एंड लाइक इट इज इजी टू से कि लोगों को अच्छी लगती है इसलिए 21 मिलियन व्यूज मिले हैं. आपको क्या लगता है म्यूजिक कितना अहम रोल प्ले करता है बिकॉज नाउडेज वी कैन सी एवरी पर्सन इज मेकिंग म्यूजिक वीडियो एंड ऑल राइट. सी म्यूज़िक जब आप फिल्म के लिए हम जैसे इंडिपेंडेंट जब बनाते हैं म्यूज़िक तो उसमें हमारी कोई प्लानिंग नहीं होती कि गाना कैसा बनाना है. वो जैसा गाना उस वक्त बनता है वो वैसा बन जाता है. पर जब कोई डायरेक्टर कहानी लेके आता है तो हमको हमारे लिए काम डबल हो जाता है क्योंकि हमको कहानी भी कहनी है गाने में और क्योंकि डायरेक्टर का विजन चल रहा है और उसके बीचों बीच हमने एक ऐसा कमर्शियल थॉट और गाना लेके आना है जो सबको पसंद भी आए और जो हर इंसान अपने मोबाइल में डाउनलोड करे जो स्ट्रीम करे ताकि वो गाना भी पॉपुलर हो और फिल्म की कहानी भी कही जा सके. सो जैसा आपने देखा है ट्रेलर बहुत रिलेटेबल कहानी है और बहुत आम अक्सर लोगों के साथ होता है. तो जब भी आप कोई ऐसी चीज़ बनाते हैं चाहे वो गाना हो या फिल्म हो जो लोग आम मर्रा की ज़िंदगी में उनको लगता है कि हाँ यार ये तो हमारे साथ भी हो सकता है या हुआ है तो लोग उससे रिलेट करते हैं. तो ये सब्जेक्ट बहुत रिलेटेबल है और एक नए तरीके से आया है. टाइटल बहुत कैची है तो गाना हमने बहुत सिंपल रखा है लेकिन आई थिंक वो फिल्म की कहानी को आगे लेके जाता है. सो दैट्स व्हाई वी थिंक कि ये गाना भी बहुत अच्छा चलेगा. कुणाल गांजावाला एंड अल्टिमेट प्रोजेक्ट के सोलफुल साउंड है तो हाउ डू यू एसोसिएट देम विद द प्रोजेक्ट. अल्टिमेट ने हमारा काफ़ी अभी एक हमने ड्रीम गर्ल में गाना किया था एक मुलाकात जो 500 मिलियन से ज़्यादा गया है तो उसकी आवाज़ उसमें हमने लॉन्च करी थी और बहुत रोमांस है उसकी आवाज़ में. तो ये भी जो गाना है इसमें भी यू कैन टेल कि कितना सोलफुल तरीके से उसने वो इमोशन को आगे लेके आए और एक्टर्स ने जो परफॉर्म किया है उसकी उस सिचुएशन में वो बहुत अमेजिंग है. मतलब बहुत अच्छा लगा हमको. हम खुद उस वीडियो को देख के गाने से और ज़्यादा कनेक्ट हो गए. एंड एज एन इंडिविजुअल एज एन व्यूअर्स क्या कहना चाहेंगे कितना जरूरी है कॉमेडी फिल्म को लाना क्योंकि ना इतना स्ट्रेसफुल माहौल है और ऐसी फिल्में बन रही हैं जहां कॉमेडी का जॉनर जो है वो कमी नजर आता है आज के दौर में. कॉमेडी ऐसा जॉनर होता है कि अगर फिल्म सही बन जाए तो सालों साल वो फिल्म टीवी पे भी चलती रहती है. OTT पे भी लोग रिपीटेड देखते हैं. हमने हमारी जो पहली फिल्म थी लाइफ की जिससे हम लॉन्च हुए थे 2 × 4 ऋषि कपूर जी की फिल्म थी और वो फिल्म हमें कितने लोग बोल चुके हैं कि वो टीवी पे कम से कम आज तक 25-30 बार दिख चुके हैं. तो कॉमेडी फिल्म का एक बात रहती है ऐसी फिल्म में कि एक तो रिलेटेबल सब्जेक्ट हो तो वो बार बार देखी जा सकती है और इतने इसमें सारे टैलेंट आप देखो जो एक्टर्स हैं सारे मतलब बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन टैलेंटेड एक्टर्स हैं सारे. तो ऐसे एक्टर्स को तो वैसे ही देख के इनका तो स्टैंड अप देख के मज़ा आता है. तो आप फिल्म देखोगे तो ऑब्वियसली मन करेगा बार बार देखो. तो कॉमेडी का हमेशा एक लाइफ लंबी होती है. रोमांटिक फिल्म को आप देखते हो 2-4 बार देखते हो एक्शन फिल्म को आप 5 बार देखते हो लेकिन कॉमेडी को आप 10 बार देख सकते हो और आप फिर भी बोर नहीं होते. अभी बहुत सारी फिल्म्स आ रही हैं. ड्रीम गर्ल 2 आ रही है, सत्य प्रेम की कथा आ रही है और बहुत सारा इंडिपेंडेंट म्यूजिक आ रहा है. जुबिन के साथ आपने हमारे अभी लेटेस्ट सारे गाने सुने ही हैं. 2 गाने और आ रहे हैं और इंडिपेंडेंट म्यूजिक हमारा मीत ब्रोस का भी सिंगल्स आ रहे हैं. सो इस साल कुछ 30-40 गाने सुनने को मिलेंगे आपको. थैंक यू. लाइक सारिका सेड कि मैंने 1 लाइन सुन के मैं फ़िदा हो गया था फॉर अ सिंपल रीज़न. हम लोगों ने ये कॉन्वर्सेशन आई नो हमारे साथ में ही एक मूवी रिलीज़ हो रही है और मैं उसे भी साथ में शायद प्रमोट करने जा रहा हूँ. आई एम अ बिग आयुष्मान खुराना फैन एंड ही चूजेज़ अ सब्जेक्ट्स ब्यूटिफुली. वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज हंसते खेलते तरीके से दुनिया के सामने लाते हैं एंड दैट्स प्रॉब्ली द रीज़न ही इज़ अपने इंडस्ट्री के मिस्टर ROI. सो इट्स वेरी सिंपल मार्केटिंग लैंग्वेज में बोला जाए तो प्रॉब्लम ये था कि हम जब भी कोई भी लाइक कॉन्डम खरीदने के लिए जाता है तो उसको है ना एक बुरी तरीके से एक छिछोरे की तरह से एक आज भी हमारे यहाँ कॉन्डम दिए नहीं जाते, स्मगल किए जाते हैं. कभी भूरे एनवलप में, कभी ब्लैक पॉलिथिन में डाल के आपको हैंड ओवर किया जाता है कॉन्डम्स. वेयर एज कॉन्डम को जो इज्जत मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलती बिकॉज यू नो दैट इज़ समथिंग विच प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम हमारे देश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम द बीमारियाँ. इन सबसे बचाने वाले हीरो को हम लोग इतना बेदर्दी से ट्रीट करते हैं. सो हर 1 लाइन व्हेन शी टोल्ड मी अबाउट द फिल्म कि कॉन्डम खरीदने वाला छिछोरा नहीं होता, जेंटलमैन होता है. जब ये 1 लाइन मेरे पास आई आई वॉज लाइक आई वॉन्ट नो द स्टोरी एंड वंस आई न्यू द स्टोरी आई वॉज लाइक ये कोई पीछी तरीके से नहीं हो रही है. जैसे आयुष्मान सर का जोन है कि यू नो हंसते खेलते एक प्यार या सा मैसेज आपके आप तक पहुंच जाता है. दैट इज़ द होल फॉर्मेट ऑफ द फिल्म कि आप थ्रू आउट हंस रहे हो. एक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है हंसने का क्योंकि हम आई एम अ बिग फैन ऑफ मीम्स.
ठीक है, हम लोग बहुत मैं बैठ के रील्स देखता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, ये पूरी फिल्म एक मीम है, हर एक लाइन हर एक पैराग्राफ उठाओगे ना ऐसा लगेगा इसका मीम बनाया जा सकता है. सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द फिल्म, द वे इट इज़ रिटन, द वे इट इज़ डायरेक्टेड. सो द होल थिंग वॉज सो फैसिनेटिंग, लाइक यार ये करनी है, एंड दैट्स द रीज़न आउटसाइड द रेस्टोरेंट वी मेट, एंड व्हेन आई सेड यस शी हैड टीयर्स इन आईज, वी हग्ड एंड वी लाइक यस वी आर मेकिंग अ ग्रेट प्रोडक्ट. सो या दिस इज़ वेयर वी आर. I don't know, she can tell you better. No, it's a huge compliment. I think it's probably mera us time jo look rakha gaya tha film ke liye, isliye kafi comparisons the. Matlab can I, sorry, matlab Sushant Singh Rajput ke sath inko compare kiya ja raha hai, itne comments hai, matlab ek do comments nahi hai, aap comments box ja ke check karenge तो इतने कमेंट्स हैं. जब मैंने वो कमेंट्स बॉक्स रीड किया ना, तो बिकॉज मेरी पहली फिल्म में मैं तो छोटा छोटा भी रीड करती, तो वो जब पढ़ा ना तो आई जस्ट कॉल हिम डायरेक्टली, मेरे को पता है तेरे को यार पीपल आर कंपेयरिंग बिकॉज ऑफ दिस लुक एंड बिकॉज डेफिनेटली ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, द वे ही इज स्माइलिंग, द वे ही इज़ वो आप कनेक्ट हो जाते हो. तो डेफिनेटली आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनको कनेक्ट किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, विच इज अ वेरी गुड कंपैरिजन. आई डोंट नो बट आई थिंक आई हैव बीन अ फैन ऑफ हिज एंड इट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट. As well as we also saw the trailer that time, we were not realizing that it's you, like Manish, because the look is very different. As well as we would like to know that how was your experience working during the shoot, the location and all. आई थिंक वी हैव स्टोरीज पे स्टोरीज ऑफ दिस, बिकॉज हम लोगों ने जो झेला है, बिकॉज द स्टोरी वॉज सच, द यूनिट वॉज सो क्यूट, वी कुड सेल थ्रू. वरना एक बात की गारंटी थी, क्योंकि ब्रह्मास्त्र उस टाइम पे वाइंड अप करके निकल लिए वहाँ से, बिकॉज इट वॉज रियली हॉट. आई थिंक सेकेंड डे पे सारिका एक्शन बोला, उसके बाद कट नहीं बोली क्योंकि वो बेहोश हो चुकी थी. वी सडनली सॉ हर गोइंग डूप डाउन लाइक दिस. तीसरे दिन पे प्रतीक एंड आई वर टेरिबली इल, डॉक्टर को बुलाया गया, और वहाँ के डॉक्टर भी बड़े कमाल के थे, मुंह में ऐसे बहुत सारा मावा भरा हुआ था, जबां केसरी बोल रहे थे वो. तो वो जब डॉक्टर इंजेक्शन ले गया, तो पुराने ज़माने की कांच की इंजेक्शन ले आए, तो वो देखते मैंने प्रतीक को, पहले तू दिखा दे यार. तो इंजेक्शन मैंने मार दी, प्रतीक को बहुत बुरी तरह लगी, तो मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ. ऐसे करके हम लोगों को पूरा जर्नी कटा. लास्ट क्लाइमैक्स में अगेन आई ऑलमोस्ट पेंटेड, सो ड्रिप चढ़ा चढ़ा के, सो वी वर डूइंग एक्शन सीक्वेंसेस हियर, ऊपर मेरे को ड्रिप चढ़ा के रखा, तो भी कांच की इंजेक्शन क्या बोलते बॉटल लटका दी थी मेरे सर के ऊपर. तो मेरे सारे फ्रेंड्स सब लोग आपस में ना सर्कल बना के बैठे थे, बोला आज ये लड़का मरने वाला है क्योंकि वो बॉटल मेरे सर के ऊपर. तो वहाँ से डॉक्टर साहब भी आए, ऐसे आराम से अपने जेब से एक रस्सी निकाली, कांच की बॉटल ली और टांग दी. मैंने कहा सर ये मुँह पे गिरे गए. अरे काहे टेंशन ले रहे हो, ऐसे हम अपनी भैंसिया बांधते हैं, नहीं गिरेगी बे. सो दैट इज़ अ काइंड ऑफ हिलेरियस स्टफ वी वेंट थ्रू बिकॉज ऑफ द हीट. द लोकेशंस वर आउटस्टैंडिंग. आई थिंक फारूक सर हैज़ डन अ फैबुलस जॉब कैप्चरिंग दैट होल प्लेस. आई थिंक द होल मूवी, लाइक कहते हैं ना, हर एक फिल्म के पीछे एक अलग कहानी होती है. सो आई थिंक वी लिव दैट कहानी, एंड वी सारिका एंड सुशील वर रियली फैबुलस. दे वर बेस्ट होस्ट की उस गर्मी में मर गिर के भी हम लोग वी कुड सेल थ्रू द होल स्केड्यूल. सो आई थिंक इट वॉज अ फैबुलस फैबुलस एक्सपीरियंस, एंड इट विल बी वर्थ इट इफ एवरीबडी गोज फॉर द फिल्म एंड वॉचेज इट. सो विद प्रतीक इट इज़ अ लर्निंग. आई टेल यू वेरी फनी इंसिडेंट. हमारे यहाँ जो डायलेक्ट कोच थे, उन्होंने वो थिएटर से हैं, तो उन्होंने आके पहली चीज़ हमें बोली कि अरे ये सर ये एक्टर खा जाएगा सर आपको. मैंने कहा प्लीज़ खा जाए. मैं उसको पहला शॉट देखने के बाद आई बिकम अ फैन ऑफ हिज, बिकॉज मैं पहली बार प्रतीक को व्हेन आई डिड अ टेक विथ हिम आई टोल्ड हिम, मैंने कहा डूड यू नो व्हाट, आई कैन सी परेश रावल सर इन यू, बिकॉज ही इज़ गॉट दिस बोल्ड वॉइस, ही इज़ गॉट दिस अमेजिंग व्हाट यू कॉल्ड होल्ड ऑन द क्राफ्ट. तो आई ओनली न्यू, मैंने कहा, मैंने उनको बोला ब्रिजेश सर आई कैन ओनली टेल यू वन थिंग, ये साथ में है ना मेरे, तो ये सीन को ऊपर ही उठाएगा, नीचे जाने नहीं देगा. सो आई थिंक दैट वॉज देर वॉज अ लॉट ऑफ लर्निंग विथ एक्टिंग विथ प्रतीक एंड विथ अविका. तो क्या बोलना है यार, आई थिंक घर की बात है, बिकॉज आई थिंक वी हैव वर्कड 10 years together, not just in front of the camera, behind the camera as well, and touch wood, we have given products which have gone to Cannes Film Festival, we have qualified for the Oscars 2019. So, you know, we have had this bond ki unsaid this thing. So even for this film, hamari heroine ka thoda mamla dicey chal raha tha.
तो वी वर जस्ट सिटिंग एंड बाउंसिंग नेम्स एंड ऐसे घर पे बैठे बैठे एंड वी लाइक शी लाइक अविका, मैंने कहा चल ट्राई करते हैं. सो शी वाज इन हैदराबाद, उसको फ़ोन किया, मैंने कहा अविका एक स्क्रिप्ट है. बोलती है हाँ ठीक है. मैंने कहा कब सुनना है? आपने सुन लिया, ओके है, आई एम डूइंग इट. एंड दैट्स हाउ क्विक इट वॉज एंड शी वॉज ऑन बोर्ड. एंड या अगेन वर्किंग विथ हर अगेन इज अ वेरी गुड लर्निंग एवरी टाइम. सी डेफिनेटली ये 2019 में हम लोगों ने इसको शूट किया था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया एंड एवरीथिंग. तो हमारा तब शूट कम्प्लीट हो चुका था. तो आई थिंक सो अगर हम नंबर वाइज देखें कौन सा कब लिखा गया या कौन सा कब बनाया गया, तो ये डेफिनेटली अलग है. और बहुत सीधी सी बात है, और हम यहाँ पर कॉन्डम को बारे में या उसकी चीज़ों के ऊपर नहीं बात कर रहे हैं, हम कॉन्डम की ही बात कर रहे हैं. जहाँ पर हाउ टू सेल हमारा मोटो नहीं है, हाउ टू प्रमोट हमारा मोटो नहीं है. हमारा मोटो इसमें ये था कि वी आर ट्राइंग टू अ न्यू नेम टू द कॉन्डम विच इज़ रबर बैंड, ताकि हर एक छोटे छोटे सिटी में, शहर में, गांव में कोई भी लड़का, कोई भी आदमी जब उसको मांगने जाए तो उसके पास एक वर्ड हो. क्योंकि कॉन्डम को यहाँ लोग टैबू मानते हैं, तो वो जो टैबू वाला फैक्टर था यार, मेडिसिन है यार. आप कॉन्डम खरीद के किसी को कुछ गलत काम करने नहीं जाओगे. आप कॉन्डम खरीदो इट मीन्स आप अपने पार्टनर का रिस्पेक्ट कर रहे हो, उसकी केयर कर रहे हो, यू केयर दैट पार्टनर. तो दैट इज़ द ओनली मोटो. और इसीलिए ये फिल्म अलग है, इसीलिए ये फिल्म अलग है, क्योंकि इसके कॉन्डम के होने के पीछे जो मोटो है, जो रीज़न है, वो एकदम कॉमन है, जो हर किसी को चाहिए आज के टाइम पे. जैसे सर दर्द है, बुखार है, पैरासीटामोल चाहिए. सो इफ़ यू वॉन्ट सम सेफ्टी इन योर लाइफ तो कॉन्डम चाहिए. तो वो कॉन्डम को टैबू वाले फैक्टर में नहीं रखना चाहिए, और उसी के रिलेटेड ये फिल्म. आर ओनली इंटेंशन इज आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म, आई थिंक एक चीज़ होगी कि कोई भी जाके अगर कॉन्डम मांगता है डेस्क पे, तो लोग है ना ऐसे छुपके नहीं, या लेडीज़ खड़ी हैं तो छुपके से मांगा ना, छुपके मांगेगा और ना कोई छुपके देगा, राधा शान से देगा. अगर किसी को फिल्म पूरी समझ में आ गई तो शायद ताली भी बजा दे कि भैया यू आर द जेंटलमैन दैट यू बाइंग अ कॉन्डम, यू केयर बिकॉज यू लव दैट, यू वेयर बिकॉज यू केयर, दैट इज द होल आइडिया. राइट, या थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू. हाँ जी, Thank you.
What's going on? Wonderful subject. How many films have you seen? How proud do you feel as a director, as an individual, being part of the film? Pardon. How proud do you feel? Acha, how proud of you? जब सबको फिल्म अच्छी लगेगी तो डेफिनेटली प्राउड तो होगा. जब तक फिल्म आ नहीं जाती, जब तक रिजल्ट बाहर नहीं आ जाते, तब तक तो शिव जी से प्रे है कि प्राउड वाला करने जैसा मौका दे और मैं प्राउड कर पाऊँ. प्राउड एक्चुअली इन्हें करने की जरूरत नहीं है, प्राउड हमें है. सो स्वीट. क्योंकि जब ये हमारे पास आई थी तो देखिए मोस्टली क्या होता है कि जब कोई आके बोलता है कि मैं पहली बार फिल्म बना रहा हूँ तो हम लोग घबरा के थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं कि पहली बार फिल्म कोई कैसे बना रहा है. फिल्म बनाना फिल्म बन तो जाती है, उसको यहाँ तक लाना और ट्रेलर 21 मिलियन कर चुका है ये कोई आम बात नहीं है और ये कोई रोज़ की कहानी नहीं है. हमारे बॉलीवुड में आपको पता है कितनी फिल्में बनती हैं और उसमें से कितनी पहुंच पाती हैं और कितनी तो पहुंचती नहीं है. तो ये बहुत बड़ी बात है कि ये सारिका का जो एक माइंडसेट था एक ये, और ये कोई हमारी बॉलीवुड की इनकी कोई स्कूलिंग नहीं है. ये बॉम्बे में नहीं रही हैं, इन्होंने इस इंडस्ट्री में काम नहीं किया है, बाहर से आई हैं, अब्रॉड से आई हैं, आके इन्होंने एक फिल्म बनाई है और बना के सबको इकट्ठा करके और यहाँ तक पहुँचे कि आज आप सब लोग भी यहाँ के आज आप उस फिल्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं. तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है जिसके लिए हम बहुत प्राउड हैं कि यू नो सारिका यहाँ सारिका की मेहनत सफल हुई. थैंक यू सो मच. एंड इन्होंने भी मुझे इतना हेल्प किया बिकॉज बीइंग अ न्यू डायरेक्टर, न्यू प्रोड्यूसर, तो मैं अगर कोई चीज़ लेकर अगर मीत ब्रदर किस मतलब रोज़ के पास गई तो इट वॉज़ लाइक मेरे लिए था कि पता नहीं वो मुझे सॉन्ग देंगे या नहीं देंगे. बट द डे द मोमेंट ही लिसन द कॉन्सेप्ट और एक लाइन सुनने के बाद में बोला कि नहीं सारिका दिस इज़ एक्चुअली साउंड गुड और डेफिनेटली मैं करूँ. तो मेरे बाहर निकलने के बाद तो मैंने बहुत ज़्यादा चीख मारी थी. यू कैन अंडरस्टैंड कि आप नए हो हर जगह पर, चीज़ें जो हैं नए तरीके से स्टार्ट कर रहे हो और वहाँ पर फिर ऐसे बिग नेम्स हैं, जो बहुत सारे बिग नेम्स हैं इसमें, इन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है और डेफिनेटली मैं दिल से उनका थैंक यू बोलती हूँ. और मैं ऑडियंस को भी यही बोलती हूँ, सब लोगों को यही बोलती हूँ कि यार आप कितने भी बड़े हो जाओ, स्टार बनो, बहुत अच्छा है, लेकिन जब भी कोई नया आगे बढ़ने की कोशिश करता है या प्लीज़ सपोर्ट उसको, थोड़ा सपोर्ट करना है, जैसे इन्होंने भी मुझे. सो थैंक यू सो मच. नहीं थैंक यू वाली भी बात नहीं. जब हमें कोई फिल्म डायरेक्टर जब भी सुनाने आते हैं, अभी ये चीज़ समझ में आ गई है 40-50 फिल्में करने के बाद कि डायरेक्टर जब कहानी हमें सुनाते हैं अपनी फिल्म की ना, 80% हमको पता चल जाता है कि ये फिल्म कैसी बनने वाली है. क्योंकि वो डायरेक्टर अपनी पिक्चर जो बनने वाली है वो यहाँ दिख चुका होता है, उसके माइंड में पिक्चर पहले दिन बन चुकी होती है, उसको सिर्फ उसको उतारना होता है कैमरे पे. तो जब डायरेक्टर स्टोरी सुनाता है ना हमको, तो हमें 80% तो समझ में आ जाता है कि ये फिल्म कैसी बनने वाली है. और सारिका ने जैसे नरेट करी थी ना, हमें पता था ये फिल्म अच्छी बनेगी. थैंक यू सो मच. मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग बात है. जब मैं गाना लेकर इनको पास गई और मैंने सब स्टोरी नरेट किया और सारी हमारे बीच की कॉन्वर्सेशन हुई, मीन्स ही सो एस्टैब्लिश, मतलब इतना नाम है और इतने यू नो हिट सॉन्ग्स दे चुके हैं, उसके बाद में भी ही ट्राई टू अंडरस्टैंड के वॉट आई वॉन्ट. और इसके पीछे हमारी 3 से 4 या 5 बार इसी बात के ऊपर यू नो नहीं आई वॉन्ट दिस इज इट नहीं, हमारे वो डिस्कशंस भी हुए, डेबिट भी हुए, हमारी हर चीज़ के ऊपर बहस भी हुई. बट देन टू इट जब तक इनको लगा नहीं, जब तक इनको मैंने इनको ऐसे बोला नहीं नाउ आई एम सेटिस्फाइड, तब तक उन्होंने वो बोले कि नहीं आप बोलो मैं वैसा करके देने के लिए. तो दैट इज़ वेरी बिग थिंग. सो लाइक मैं वही बोलूँगी, ये जो सपोर्ट और ये जो क्रिएटिव लेवल को उस तरह से सोचना और सामने वाले को उतना ही स्पेस देना जितना कि यू नो एक क्रिएटर को दूसरे के लिए देना चाहिए, सो उसके लिए मैं डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करूँगी. उन्होंने मेरी बात को समझा और उतना टाइम दिया कि तब तक कि जब तक मुझे ये ना लगे कि ही अंडरस्टूड माई वर्ड्स वॉट आई वॉन्ट. बहुत जरूरी है, सही बात सही तरीके से अच्छे रैपिंग में पहुँचाना बहुत ज़रूरी है. हमारी जो इंडिया की पब्लिक है, जो लोग हैं, जो हमारा समाज है, उसके अंदर डेफिनेटली फिल्म्स का बहुत बड़ा सपोर्ट है, बहुत बड़ा माध्यम है हर एक चीज़ को उन तक पहुंचाने के लिए. वो राइट वे में हो, अच्छे वे में हो, जैसे कि हम अपनी फिल्म की बात करें, एक मैसेज है जो बहुत सीधे और सिंपल तरीके से कॉमेडी में, सिचुएशंस में, डायलॉग्स में, हमने उसको इतने अच्छे से बना के रखा है कि डेफिनेटली लोगों को समझ में भी आएगा और जो एक छोटा सा प्यारा सा मैसेज है वो भी लोगों को समझ में आएगा. तो मैं जब फिल्म बना रहे थे तो बहुत ध्यान रखा कि एक इंच भी ऐसी कोई मैसेज बाहर ऑडियंस तक ना जाए जो उनको गलत इम्पैक्ट दे या गलत सीख दे, मैंने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखा. ओ शी इज़ डैम गुड. वो भाई उनके लिए मैं क्या बोलूँगी, उनके लिए तो सब लोग बोलते हैं.
बहुत अच्छी हैं, बहुत बढ़िया हैं, और द वे शी सपोर्ट मी, एक्चुअली मैं लकी हूँ, शिव जी ने सबके साथ में मेरे को सपोर्ट दिया, उन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मतलब जब मैं उनको फर्स्ट टाइम टेक करने खड़ी हो रही थी तो लाइक आई वॉज थिंकिंग कि यार मेरे मेरी बोलते हैं ना कि मैं छोटे से उनको देखती आ रही हूँ, मेरे फादर मेरी मदर उनको देखते हैं, उनके गाने इन्जॉय करते आए, उनका एक्ट इन्जॉय करते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। थैंक यू। तो अभी केक कट करें।